दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड एक्टर्स अपनी लाइफ में कई ऐसे काम कर जाते हैं जो कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी करने में बॉलीवुड एक्टर्स की वाइफ्स भी पीछे नहीं है। किसी न किसी एक्टर की वाइफ ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसके चलते कई एक्टर्स की वाइफ के ऊपर FIR दर्ज कराई गई तो कईयों को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्टर्स की कुछ ऐसी ही पत्नियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही थी। आइए जानते हैं। नंबर 5, आमिर खान वाइफ किरण राव। साल 2015 में एक इवेंट के दौरान आमिर खान ने इंट्रोलेंस पर बयान देते हुए कहा था कि भारत में पिछले कई सालों से बढ़ते अपराधों को देखकर इनकी पत्नी इनसे भारत छोड़ के जाने के लिए कहती है। इस बयान के बाद ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई थी। सभी लोग इनके और इनकी पत्नी किरण के बारे में भला बुरा कहने लगे थे, साथ ही देशद्रोह का आरोप लगाते हुए किरण राव पर FIR भी दर्ज कराई गई थी और वो उस साल काफी ट्रोल भी हुई थी। पर बाद में इस बयान पर खुद उन्होंने अपनी राय बदली और जल्द ही उनके खिलाफ की गई FIR भी वापस ले ली गई। नंबर 4, अरबाज खान वाइफ मलाइका अरोड़ा। पिछले साल जब अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के तलाक की बातें चल रही थी तो उस समय एक बात सामने आई थी कि मलाइका अरबाज के खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें तलाक दे रही है, साथ ही तलाक के लिए मोटी रकम भी मांग रही है, जिसके बाद मलाइका का नाम खूब सुर्खियों में छाया रहा था। पर जब खुद मलाइका ने इन सभी बातों को गलत साबित किया तब जाकर कहीं ये मामला शांत हुआ था और बाद में पता चला कि अर्जुन कपूर से अफेयर की वजह से इन दोनों का तलाक हुआ है। नंबर 3, शाहरुख खान वाइफ गौरी खान। शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान भी एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुकी है। बात उस समय की है जब डॉन फिल्म के दौरान शाहरुख और प्रियंका के बीच नजदीकी आ गई थी, जिसका पता चलते ही गौरी ने शाहरुख को कह डाला कि वो अब से प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे, जिसके बाद उन्होंने नेपोटिज्म का सहारा लेकर करण जौहर के साथ प्रियंका और शाहरुख की कई अपकमिंग फिल्मों में से प्रियंका को निकलवा दिया और उन्हें बैन करने के सारे प्लान बना लिए, जिसकी खबर मीडिया को पड़ गई, जिसके चलते प्रियंका की बैन करने के लिए गौरी खूब लाइमलाइट में बनी रही थी। नंबर 2, शाहिद कपूर वाइफ मीरा राजपूत। यूं तो शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत अपने बड़बोले स्वभाव के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, पर एक बार ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही थी जो इन्होंने खुद ही बनाई थी। दरअसल बात ये थी कि अक्सर मीरा नेपोटिज्म के खिलाफ बोलती नजर आई, पर साल 2019 में मीरा राजपूत खुद नेपोटिज्म का सहारा लेकर वोग मैगजीन के कवर पर छाई हुई थी, जिसके बाद सभी सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल करने लगे। कई यूजर ने लिखा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर हो, शाहिद कपूर की पत्नी हो इसलिए तुमसे अच्छी कई सारी महिलाएं हैं जो डिजर्विंग हैं इस मैगजीन के कवर पर आने के लिए। इस मामले से मीरा का नाम मीडिया में बहुत उछला था, पर कुछ समय बाद ये मामला अपने आप शांत हो गया था। नंबर 1, अक्षय कुमार वाइफ ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार तो अपने टाइम पर खूब कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं, पर इनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना एक बार बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी। बात है मार्च 2009 के लैक्मे फैशन वीक की, जहां अक्षय कुमार एक लेविस ब्रांड की जीन्स को प्रमोट कर रहे थे। तभी उन्होंने ट्विंकल से कहा कि मैं जब तुम्हारे पास आऊं तो तुम मेरे पैंट का बटन खोल देना, और ऐसा ही ट्विंकल ने किया। पर ट्विंकल की इस एक्टिविटी ने उन पर पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैलाने के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जो हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां मोटी रकम चुकाने के बाद इनके ऊपर से केस वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस एक्टर की वाइफ के कारनामों के बारे में जानकर हैरानी हुई? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।